पाइल्स बवासीर ये तकलीफ काफी सारे लोगों को रहती है। तकरीबन 50% लोगों को लाइफ टाइम में एक बार मसे या बवासीर की शिकायत हो सकती है। लेकिन अच्छी बात दोस्तों यह है कि सिर्फ 10% लोगों को ऑपरेशन की जरूरत रहती है, बाकी 90% लोग, आप सोच सकते हैं कि 90% लोगों को होम ट्रीटमेंट से, डाइट में कुछ परहेज करने से और मेडिसिन से, खास करके अर्ली स्टेज के जो पाइल्स है यानी ग्रेड 1 या ग्रेड 2 पाइल्स, इससे हम होम ट्रीटमेंट से भी ठीक कर सकते हैं। एक बार बस आपको अपने सर्जन को एक बार चेकअप करा लिया, फिर आप ये सब चीजें फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि आपको वाटर इंटेक बढ़ाना है। अगर आप पानी की मात्रा ज्यादा लेते हो, कम से कम 2 से 3 लीटर पानी लेते हो दिन का, तो फिर स्टूल की कंसिस्टेंसी सॉफ्ट हो जाती है, जिसके कारण पाइल्स बवासीर की शिकायत कम रहती है। दूसरी बात है फ्रूट इंटेक। अगर आप फल फ्रूट ज्यादा लेते हो डाइट में, खास करके कीवी, पपाया, बनाना, ऑरेंजेस, एप्पल, ये सब जो फ्रूट्स है इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है, जिसके कारण आपको तकलीफ कम रहती है। अगर आप जूस पीना चाहते हो तो बिना स्ट्रेन किए यानी बिना फिल्टर किए भी आप डायरेक्टली ग्राइंड करके जूस लीजिए तो आपको फाइबर पूरा मिलेगा। अगर आप छन्नी करके या फिल्टर करके लेते हो तो आपको ये फाइबर कम मिलेगा, जिससे आपको फायदा नहीं मिलेगा ज्यादा। दूसरा है वेजिटेबल्स। अगर आप वेजिटेबल्स में बॉइल्ड सलाड्स, कच्चा वेजिटेबल जैसे कि कोथमरी, मेथी, ये सब का सेवन अगर ज्यादा करते हो तो इसमें जो सेल्यूलोज की मात्रा रहती है, इससे भी आपको डाइट में और टॉयलेट में आराम हो जाता है और बवासीर की तकलीफ कम हो जाती है। दूसरा इसबगुल पाउडर। इसबगुल पाउडर दोस्तों ये नेचुरल फाइबर है, नेचुरल फाइबर, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप रात को पानी में मिक्स करके लेते हो या फिर दूध में मिक्स करके लेते हो 2 से 3 चमची, तो इससे आपको काफ़ी आराम हो जाता है, कब्ज़ की शिकायत कम हो जाती है। और जो मेन प्रॉब्लम है बवासीर या मसे की, वो है कब्ज़। अगर कब्ज़ को आप ठीक करते हो तो आपको बवासीर में काफ़ी आराम मिल जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लंबे टाइम तक टॉयलेट में बैठना। अगर आप टॉयलेट में लंबे टाइम तक बैठते हो, खास करके आजकल मोबाइल फ़ोन का ज़माना है तो बहुत सारे लोगों को मोबाइल फ़ोन यूज़ करने की आदत है या न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है टॉयलेट में, इससे आप लंबे टाइम तक बैठे रहते हो और इसके कारण टॉयलेट की जगह पे बवासीर या मसे वो स्लाइड होते और धीरे धीरे बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। मोटापा, फास्ट फूड के ज़माने में, चीज़ बर्गर के ज़माने में कैसा है, वेट गेन की चांसेस ज़्यादा रहते हैं और ये वेट गेन के कारण भी पाइल्स बवासीर की शिकायत ओवरऑल जनरल पॉपुलेशन में बढ़ रही है। करके नहीं रखना, अगर आपको टॉयलेट लगती है तो तुरंत टॉयलेट में जाना है। लेकिन अगर टॉयलेट में आपको जोर नहीं करना है और अगर आपको टॉयलेट अगर होल्ड करके रखते हो तो प्रेशर बढ़ जाता है और वो प्रेशर के कारण भी बवासीर होने के चांसेस बढ़ते हैं। अगर आपको ऑफिस में लंबे बैठने का काम है तो फिर आपको हर 1 घंटे में 1 से 2 मिनट एक चक्कर मार लेना है, जिससे आपको रिलैक्स हो जाएगा, टॉयलेट की जगह पे जोर कम रहेगा। गर्म पानी की शिकायत, अगर आपको टॉयलेट की जगह पे जलन ज़्यादा हो रही है, दर्द हो रहा है, आग लगी ऐसा लग रहा है, टाइट टाइट लग रहा है टॉयलेट के बाद, तो फिर आपको एक फ्लैट टब में गुनगुना पानी में 5 मिनट बैठना है। इसमें डेटॉल या फिटकरी का पाउडर मत यूज़ कीजिए, क्योंकि उससे जलन ज़्यादा होती है और फिर तकलीफ या जलन बढ़ती है। कभी कभी काफ़ी सारे मरीज मैं देखता हूँ कि ये सब यूज़ करते हैं, पाउडर वाउडर डालते हैं और इसके कारण जलन ज़्यादा हो जाती है, कभी कभी इन्फेक्शन भी हो सकता है। लैक्सेटिव सिरप, मार्केट में बहुत सारे सिरप्स मिलते हैं, जैसे कि डिफाल है, क्रीमाफीन है, लैक्टी एफ है, लैक्टी लॉल है, ये सब जो सिरप है ये टॉयलेट को नरम करते, स्टूल की कंसिस्टेंट को सॉफ्ट करके, सॉफ्ट करते, लुब्रिकेट करते हैं, जिसके कारण आपको कब्ज की शिकायत कम होती है और टॉयलेट के जगह पे जो बवासीर है वो फूटेगे कम, तो फिर ब्लीडिंग के चांस कम होएंगे। आप एलोवेरा, नेचुरल एलोवेरा यूज़ कर सकते हो टॉयलेट के जगह पे। अगर वो आप एकदम साफ एलोवेरा प्योर लेके आ सकते हो तो इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको टॉयलेट के जगह पे जलन और बर्निंग कम हो जाता है। कुछ ऐसे पदार्थ आपको सेवन नहीं करना है, जैसे कि पिज्ज़ा, मंचूरियन, नूडल्स, पाव भाजी, चटनी, मिर्ची, ये सब जो है टॉयलेट के जगह पे जलन बहुत ज़्यादा करती है और इसके कारण तकलीफ बढ़ती है। खास करके आपको चाय, कॉफ़ी, भारत में चाय और कॉफ़ी का काफ़ी सारा ट्रेंड बढ़ता दिख रहा है, ये चाय और कॉफ़ी में कैफीन रहता है और ये कैफीन के कारण भी बवासीर की शिकायत बढ़ती है, पेन बढ़ता है और तकलीफ बढ़ती है। तो अगर आपको ताज़ा एपिसोड हुआ है ब्लीडिंग का तो आपको चाय कॉफ़ी का इंटेक कम करना है। अगर आपको ऑफिस में लंबे टाइम बैठने का काम है तो फिर आप ऐसा एक पिल्लो या सॉफ्ट पिल्लो भी यूज़ कर सकते हैं आपके चेयर पे, जिससे आपको टॉयलेट की जगह पे फ्रिक्शन और रबिंग कम हो और जिसके कारण उधर सूजन कम रहेगी और बवासीर में आपको आराम मिलेगा। वीडियो पसंद है पे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दिए गए लिंक पे 5-स्टार रेटिंग दीजिए। पाइल्स बवासीर मसे के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। सबसे सेफ और रिलायबल हेल्थ टिप्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए योर सर्जन हेल्थ चैनल।